लॉकडाउन पई हैरान होउछंती राजमिस्त्री खड़गपुर आसी भुवनेश्वर रे राजमिस्त्री काम करथले किछि लोक किंतु लॉकडाउन परे से माने फसी जाइथले प्राथमिक भाबे बीएमसी तरफ से माने को खाइबा को दे जाउथले बि परे खाइबा को मिलि नाही जाकु ने से माने घोर चिंता रे अछंदे तबे ई असहाय मान को सहायता हाथ बढ़ाइछंती किछि सहद व्यक्ति प्रतिदिन सेमान को पई खाइबा व्यवस्था करिछंती एर अधिक सूचना देउछंती हम प्रतिनिधि समीक्षा पटनायक लॉकडाउन रे एते दिन बिती जाइथले मध्ये किछि समय पई विभिन्न संस्था पक्षरु खाद्य बंटन करा जाइथला किंतु अवधि एबे आहुरी बढ़ जावा परे समस्या आहुरी देखा को मिललानी एमती लोक अच्छा जो माने कि दस एगार दिन है उपास रहते सेमती एक परिवार आम नीलाद्री बिहार रो पावर गेट हाउस पाखरे भेटी से पचारि बुझीलु जे किभली भाव में रही समय ए आज किंतु संस्था पक्षर जड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन पक्षर तक आज खाद्य दि जा फलमूल दि जा पचारि बुझा कौन रही पूरा घटना लॉकडाउन का तीन चार दिन बाद वो बहुत कॉल करने का बाद तो एक दिन खाने को लाके दिया था दोपहर को, उसके बाद फिर दो दिन बंद कर दिया था। बंद कर देने के बाद मैं यहाँ वहाँ कॉल करके ठीक है फिर दो दिन लाया था फिर बंद कर दिया। उसके बाद कमिश्नर को कॉल किया था, कमिश्नर बोल रहे हैं जो तू लोग वहाँ पे बाइक पकड़ के घूमता है तू लोग को खाना टाना नहीं मिलेगा ठीक है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को जहाँ काम मिलता है तो हम लोग वहीं पे जाके काम करता हूँ तो हम लोग तो एक जगह का नहीं हूँ ना, हम लोग को जहाँ काम मिलता है वहीं पे काम करता हूँ। तो अभी इतना दिन हम लोग यहाँ पे बैठा हूँ, छः सात आदमी आठ आदमी हम लोग बैठा हूँ, तो मेरे पास जो पैसे था ऑलरेडी वो पूरा ख़त्म हो गया ठीक है। उसका बाद में कॉल किया, दो दिन खाना दिया था, दो दिन बाद फिर बंद कर दिया था, फिर दिया था खाना, वो रेशन वगैरह चूरा दिया था, चावल दिया था ठीक है, तो अभी तक ऑन नहीं दिया है। कैसे आपको कितना दिन पूरा भूखा रहना पड़ा? मेरे को भूखा रहना पड़ा वही सात आठ दिन का ऐसे, क्योंकि मेरे पास जो पैसे था वो मैं चलाया हूँ, बाकी जो ये दो चार दिन गवर्नमेंट से दिया है वो चला है ठीक है, बाकी कल परसों से तो आप लोग दे रहे हो, ये लोग तो दे रहा है खाना। तो अभी ठीक ठाक है? अभी ठीक ठाक है, लेकिन क्या कल जैसे दोपहर को दिया है रात को नहीं दिया है, तो इंसान तो एक टाइम खाना खा के तो जिंदा नहीं रह सकता है ना। इंसान को दो टाइम ना तीन टाइम खाना चाहिए ही चाहिए, तो वही हम लोगों का दिक्कत है। चाहे जितना दिन लॉकडाउन हो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या शांति से खाना खाना चाहता हूँ, बस इधर रहूँगा, जितना दिन बोलेगा उतना दिन रहूँगा, लेकिन हम लोगों को दो टाइम खाना तो चाहिए। बीएमसी वाला आसला आठ दिन पर बंद कर दिया गया, आठ दिन शटडाउन पर खोला जो फोन करागला कि आम तो खाइबा सर जाइए जदि आप खाइबा न दौंती आम को पास दे दिखाँ आम गाँव को पलू कि कहले ना ना आम खाइबा देवुनि कि पास देवुनि, तुम स्कूटी धरिकी बुलुच, बीएमसी कमिशन निजे कहते स्कूटी धरिकी बुलुच तुम धंदा करुन एमती मत कहले। मुँह कह ठीक अच्छे जहाँ हम देखा यहाँ कह फोन काटला सी चारिटा बेल आसते आसिक कुड़िया पत्र दे जाइए कि आम चाहूनु कहीं देखो आम लकडाउन आम डिस्ट्रिक्ट आम जापारून कि एमती नियम हो गाँ मान पशी भी पार्बुन से आम सरकार को कहे आम दी टाइम खाइबा व्यवस्था करूँ कहीं कामधंदा को भी किए जापार ना पैसा पाखे गोटे पैसा ना से आम कि कहूँ खाइबा व्यवस्था सरकार तरफ चारि दिन ते रात एगारटार गोटे फोन आसला जगह किसी लोक अच्छा जो मैंने कि तीन दिन है खाई मत मो कती फोन पहुँचला मो कती से किसी ना सुखला बिस्कुट आ अंडा था मुझे सांगे सांगे मानक फोन कली मुझे जी तुम किसी खाई ना आम किसी खाइन मुझे मो कती बर्तमान रात एगारटा बजे कौन से खाद्य ना मो कती अंडा अच्छी और सुखला बिस्कुट अच्छे मुझे देवी एम जो हाँ कहते मुझे रात एगारटा आने अंडा आते जन थे समस्त अंडा गोटे लेखा सुखला बिस्कुट देखी और सहित गोटे गोटे साबुन फ्री देखूँ मास्क आम सदा देलापर दिन ठारे से आमर जेहेतु उठा दोकान महासंघ तरफ गोटे वो रोसे दि जाऊँच केवल गाधुआ बेल दुईपहरटा समस्त को दि जाऊँगी खाया आम आपको दुईपहरटा देपर राति कथा एम किसी कही ना आज आम शुणु राति कथ आम राति जो देपरूँ शुखिला खाद्य रात आज किसी सन्देह ना लोकर जी जो मिनिमम जिन रही रिक्वयरमेंट रही साबुन टे दरकार मास्क टे दरकार जो खाद्य टे दरकार सेटा आम दवापी सदा बेल चेषा कर आज पर्यंत पखापाखी भुवनेश्वर सिटी में सतर दिन है काम कंटिन्यू चलो जेपर्यंत लॉकडाउन न सरती से पर्यंत चलो जो मैंने खाद्य बांटुचंती निहाती भाव में बस्ती हौ विभिन्न जगार हौ जो तांकर बेसिक नीड अच्छी सकाळ ओळी खाइबा एवं राति रे खाइबा दुई ओळी निहाती भाव में गोटे मनीषर खाद्य दरकार विभिन्न संघ पक्षर दाबी करा जाइछि जो मैंने अटेंडेंट रहउछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିପାରନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟି ପଡ଼ିଛି ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାରେଖା ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।